कमाई आधी हो गई और महंगाई दोगुनी, तो खुशहाली कैसे आएगी? किसी भी किसान की, किसी भी पैदावार की आय दोगुनी नहीं हुई। धान लूट लिया गया, खाद मिल नहीं रही, बीज उपलब्ध सरकार नहीं करा पा रही, डीएपी सरकार उपलब्ध नहीं करा पा रही, कीटनाशक दवाइयां महंगी, तो सरकार आखिरकार कर क्या रही है? जो किसानों को बीज न दिला पा रही हो, खाद न दिला पा रही हो, और अगर बोरी खाद की ले भी ली तो 5 किलो की चोरी हो गई। ये पहली सरकार है। डीजल पेट्रोल कितना महंगा, यही सरकार कहती थी कि हवाई चप्पल में चलने वालों को हवाई जहाज में बैठाएंगे, लेकिन गरीब की जेब काट करके अमीर की तिजोरी भरी जा रही है। अमीर तो संपन्न हो रहे हैं, पैसे से पैसा बनाया जा रहा है, लेकिन गरीब वहीं गरीब होता चला जा रहा है। बड़े बड़े विज्ञापन देखे होंगे नौकरी के, कभी 5 लाख नौकरी, कभी 1 करोड़ रोजगार, फिर 2 करोड़ रोजगार। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में जिलों की खुशहाली ला दी है। मुझे नहीं पता गोंडा जिले में कितना पैसा आया होगा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में। कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट के बहाने हमने जगह जगह कारखाने लगा दिए। अरे गोंडा के लोगों बताओ, आप क्या कौन सा कारखाना लगा है, कौन सा उद्योग आप क्या लग गया? जो मेडिकल कॉलेज बन भी रहा था वो नहीं बना पा रहे हैं। अस्पताल में पूरी दवाई इलाज नहीं करवा रहे। हमने वादा किया है गोंडा के लोगों को कि जो भविष्य में मेडिकल कॉलेज बनेगा वो ऐसा मेडिकल कॉलेज समाजवादी सरकार बनाएगी जिससे आपको लखनऊ के बराबर इलाज यहां पर मिल जाए। जो सड़कें बनाई, 4 लेन बननी चाहिए थी। ये सरकार बताए कि जिला हेडक्वार्टर को जोड़ने वाली कितनी 4 लेन सड़क बनाई। मुझे याद है लखनऊ से नानपारा वाली सड़क में 4 लेन बनाना चाहता था, उस समय की सरकार ने बनाने नहीं दिया, कहा कि 4 लेन नहीं बन सकती है, और उसी समय फैसला लिया कि 4 लेन बनेगी और बहराइच से श्रावस्ती, आप जानते होंगे, 4 लेन सड़क बनाई। ये भी आपकी जरवल वाली रोड 4 लेन बनाई। अब 4 लेन रोड बन गई, जहां डिवाइडर में पेड़ लगने थे, पौधे लगने थे, फूल लगने थे, वहां बताइए सांड बैठे हुए। जो सरकार सांड ना हटा पाए, उस सरकार से क्या उम्मीद करोगे आप? इसलिए यह सरकार जाने वाली है।